चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड की ताज़ा खबरें फटाफट। फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान कोटा रेलवे स्टेशन पर कथित तौर पर दंगा भड़काने और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में शाहरुख खान के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। बाहुबली फिल्म में नेगेटिव रोल करने वाले राणा दगुबति ने कहा, शाहरुख खान नहीं करेंगे बाहुबली 2 में कैमियो। मिस्र से इलाज के लिए मुंबई आई दुनिया की सबसे हैवीएस्ट महिला ईमान अहमद है सलमान खान की फैन। सलमान के पिता सलीम खान ने कहा कि सलमान मिलेंगे ईमान से, हालांकि अस्पताल से कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं आई है। करण जौहर ने वैलेंटाइंस डे के लिए रखी अनोखी थीम पार्टी, जहां सिर्फ बॉलीवुड के सिंगल स्टार्स को किया गया इनवाइट। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा की कंपनी बेस्ट डील टीवी को लग गया ताला। इस कंपनी के स्टाफ ने कंपनी पर सैलरी अटकाए रखने का लगाया आरोप। और जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए videos.jagran.com पर।